करवा चौथ का त्यौहार एक सुहागिन महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन बिना खाए पिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं मथुरा जिले के 60 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा भी है जहां महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत नहीं रखती और ना ही सोला सिंगार करती हैं। हम बात कर रहे हैं सुरीर कला की। यहाँ यह गांव श्रापित है और यहाँ जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। निर्मल राजपूत, पत्रिका टीवी, मथुरा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बबीता। कहाँ की निवासी हो आप? सुरीर के। सुरीर के। तो आप जब पहली बार यहाँ आई थी तो मैया के बारे में आपको जानकारी हुई, तो व्रत के बारे में, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? हमको भी ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे व्रत, वैसे हमने सुना है कि यहाँ पे व्रत नहीं रहते, लेकिन मन तो किया हमारा, पर यहाँ पे रहते ही नहीं है तो परंपरा निभानी पड़ी हमको। कितने वर्षों चली आ रही लगभग ये परंपरा? ये मालूम नहीं है, यहाँ बड़ी बूढ़ी गुजरक बताते हैं कि बहुत पहले पुरानी बात है ये। यहाँ पे सती माँ हो गई थी सती, इसकी वजह से यहाँ पे व्रत ही नहीं रखते। तो पहली बार आपने कैसा महसूस किया था, आपको कैसा लगा था कि व्रत करें हम भी? अच्छा। हम भी व्रत रखें। संसार में मतलब हर एक जगह मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, तो हमने भी चाहा, लेकिन यहाँ पर रहते ही नहीं है तो हम भी अपना। तो आपने ये व्रत देखा हुआ अपने गांव में, घर में, पड़ोस में, तो कैसा महसूस कर रही थी जब उस टाइम पहली गांव में रहते हैं? पड़ोस में तो कोई यहाँ रहता नहीं है, दो तीन मतलब परिवार हैं वो रहते ही नहीं है। नहीं नहीं, आपके गांव में जब पहली बार आप यहाँ आई थी, पहले शादी से पहले जब आपने अपने घर पर देखा हुआ, तो शौक सा तो चढ़ा, लेकिन फिर करें क्या, नहीं रह पाए यहाँ पे, मन मार के रह गए। ठीक। और वेर गाँव में मेरो शरीर में जो है शरीर में बस रही हूँ। अच्छा अच्छा। और तो भैया कबू ना तो हम बढ़ती रहे ना का वो छैश्वरी दियो, हमने सत्ती की आने हमारे ना बढ़ती रहे और ना बेटी ने दें। अच्छा। बेटी बढ़ती रहनी तो अपने आप करो कछु, हम ना दें। अच्छा ठीक। चलो देखो देखो सब घूंघट है तो खोल ले सब। बजाओ बजाओ। ए दिखाओ ऐसे मत करो वीडियो। आपका नाम क्या है जी? सीमा। आपको कैसा लगता है जब यहाँ पे आपको पता चला होगा कि यहाँ पे करवा चौथ नहीं मनाई जाती है? तो फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था बहुत गंदा फील हुआ। एक्चुअली मैं गांव में जब देखती थी मतलब कि भाभियाँ जैसे कि आंटी वगैरह करवा चौथ का व्रत मनाती तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटियों से अच्छे तरीके से मनाती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं भी शादी के बाद में कुछ अच्छा करूँगी और ऐसे रहूँगी ऐसे रहूँगी, तो बहुत सी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये करूँ या वो करूँ। बट यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पर करवा चौथ नहीं मनाई जाती, तो मुझे ना बहुत गंदा फील हुआ। तो अफसोस भी होता है कि इधर करवा चौथ नहीं मनाई जाती।